खबरों का दंगल आपका अपना चैनल कंट्री लीडर न्यूज चैनल। खबरों की दुनिया से जुड़ने के लिए देखते रहे हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कंट्री लीडर न्यूज चैनल। शिक्षा के बगैर समाज राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। शिक्षा और गांव गरीब के विकास के लिए मोदी सरकार पूरी तरह प्रयासरत है, यह कहना है युवा भाजपा नेता पुलकित सिंह का। और मौका था इटावा मलनापुर में पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा का। खबर सुल्तानपुर से आ रही और आपको बता दें कि ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि प्रधानमंत्री का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। इसके लिए देश में तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, बगैर भेदभाव सभी को आवास, आयुष्मान कार्ड, खाद्यान्न योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी 85 योजनाओं के माध्यम से सभी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं योजनाओं का पारदर्शी लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, हम सभी को इसमें सहयोगी बनना होगा। कार्यक्रम में पंचायत सचिव जितेंद्र वर्मा ने चल रही विकास योजनाओं और कराए गए विकास कार्यों का वृत्त प्रस्तुत किया और जरूरतमंदों के 20 आवेदन भी लिए। कार्यक्रम में जल मिशन के राम अचल यादव और स्वास्थ्य विभाग के अतुल आदि ने विभाग सह योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। वहीं प्रधान प्रतिनिधि शेर बहादुर सिंह ने यात्रा में पहुंचे अतिथियों का फूल माला से स्वागत किया और कहा कि गांव में कोई भी पात्र योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को हर हाल में स्कूल जरूर भेजेंगे, शिक्षित समाज से ही विकसित राष्ट्र का सपना साकार होगा। कार्यक्रम में लघु सिंचाई से अरुण सिंह, जल मिशन से राम अचल यादव, लोकेंद्र महेश, एनम पूनम पांडे, फार्मासिस्ट प्रमोद कुमार, अतुल कुमार, उज्जवल गैस से संजय, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि त्रिनेत्र पांडे आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन उत्तम सिंह ने किया।